कियारा अडवाणी से इनसिक्योर दिखी बेबो। करीना ने कियारा के सामने दिखाया एटीट्यूड। बेबो को सिद्धार्थ की बीवी से हुई जलन। ये तमाम आरोप हमारे नहीं बल्कि सोशल मीडिया यूजर्स के हैं, जो कि एक ब्यूटी ब्रांड ऐप के लॉन्च पर एक साथ पहुंची करीना, कियारा और सुहाना की वीडियोस देखकर ऐसी बातें लिख रहे हैं। किसी ने कहा करीना को कियारा से हो रही है जलन, तो किसी ने लिखा कि करीना का एटीट्यूड नहीं जाएगा। जी हाँ, बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर के एटीट्यूड प्रॉब्लम की तो जमाने में चर्चा है, और अब एक बार फिर सैफ की बीवी को देख नेटिजंस ने उनके एटीट्यूड पर उठा दिए हैं सवाल। जब कियारा अडवाणी और शाहरुख की बेटी सुहाना खान के साथ बेबो ने अटेंड किया इवेंट, तो लोगों को आक्रोश दिखी इनसिक्योर। इतना ही नहीं, किसी को तो ये भी लग रहा है कि करीना कियारा से जल रही है। बीती रात रिलायंस के न्यू ब्यूटी ब्रांड के लॉन्च में बी टाउन बेब्स करीना, कियारा और सुहाना ने शिरकत की। अपने ग्लैमरस लुक से इन डिवाज ने सोशल मीडिया का टेम्परेचर तो हाई किया ही। वहीं इस दौरान करीना के चर्चे भी इंटरनेट पर जोरों शोरों से हो रहे हैं। लुक की बात करें तो करीना कपूर ब्लैक स्ट्रैपलेस गाउन में नजर आई। उन्होंने अपना लुक स्मोकी आईज और ग्लॉसी लिप्स के साथ कंप्लीट किया। वहीं सुहाना ने रेड कलर का स्ट्रैपलेस गाउन पहना था, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। कियारा की बात करें तो उन्होंने पेस्टल ग्रीन कलर का हॉल्टर टॉप और प्लाजो सेट पहना था। तीनों ने स्टेज पर आकर पेपराजी को पोज भी दिए। इस दौरान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद हर किसी का ध्यान करीना की तरफ जा रहा है। करीना का एटीट्यूड कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा। एक यूजर ने कमेंट किया करीना को बीच में खड़ा होना था। दूसरे यूजर ने कमेंट किया करीना सच में जेलस और अनकंफर्टेबल नजर आ रही है। एक और यूजर ने लिखा सच में वो बीच में खड़ी होना चाहती थी, इसलिए अजीब फील कर रही है। एक यूजर ने कहा करीना अपनी इनसिक्योरिटीज छुपा रही है एटीट्यूड दिखाकर। तो एक यूजर ने कमेंट किया करीना उन दोनों के साथ खड़े होने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है। ऐसे ही कई यूजर्स करीना को देख ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि वो एटीट्यूड दिखा रही हैं। वैसे आपको बता दें, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि करीना अपने एटीट्यूड की वजह से ट्रॉल हो रही हूँ। वो अक्सर ही लोगों के निशाने पर आ जाती हैं, कभी पाप्स को इग्नोर करने के लिए तो कभी फैंस के साथ अच्छे से बिहेव ना करने के लिए। हाल ही में एक नामी कंपनी के फाउंडर नारायण मूर्ति ने एक इंटरव्यू में करीना को घमंडी तक बता दिया था। नारायण मूर्ति ने बताया था कि एक दिन वो लंदन से आ रहे थे, तब उनके बगल वाली सीट पर करीना कपूर खान बैठी थी। फ्लाइट में करीना के चाहने वाले बहुत सारे लोग थे जो उनके पास आ रहे थे और उन्हें हेलो बोल रहे थे, लेकिन करीना ने किसी का जवाब देने की भी जहमत नहीं उठाई। वहीं करीना का लाडला तैमूर भी अपने गुस्से की वजह से अक्सर ट्रॉल होता है। कभी वो पेपराजी पर चला देता है तो कभी अपनी नानी को मारते हुए स्पॉट होता है। वर्क फ्रंट की बात करें तो करीना कपूर जल्द ही ओटीटी डेब्यू करने जा रही हैं। उनकी थ्रिलर ड्रामा फिल्म जाने जान इसी महीने ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। वहीं कियारा अडवाणी अपनी तेलुगु फिल्म गेम चेंजर की तैयारियों में लगी हुई है। इस फिल्म में वो रामचरण के साथ नजर आएंगी। वहीं सुहाना की बात करें तो वो अपनी फिल्म दार्ची से जल्द डेब्यू करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।